अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आज हम डिस्कस करेंगे 12th कंप्यूटर साइंस का फाइनल गेस्ट पेपर। ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस की और कोई वीडियो नहीं आई इस साल के लिए, तो ये लास्ट वीडियो है। आपने इसको कंप्लीट गाइड करना है, देखना है और इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास इस वीडियो के लास्ट में आप सबको मैं सबसे बड़ा बोनस दूंगा, कुछ एक दो चीजें हैं जो आप सबके लिए फ्री हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे शेयर करूंगा, अभी तक किसी ने नहीं की होगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं चाहता हूँ आप सबको पहले पता हो, ताकि हम जब वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो सब बच्चों ने आखिर तक देखना है, फिर समझ आनी, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आना। तो अगर आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपके पास पूरी बुक है, तो इसमें सिर्फ आपने ये 4 चैप्टर अगर आप कर लें पूरी बुक के, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू हर कुछ कर लें, तो आपके 45 मार्क्स आते हैं 75 में से। यहाँ पेरिंग को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम है नहीं आप सबके पास, मेरे पास भी नहीं, तो मैं जो चीजें माइंड अप जितनी जल्दी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो ये आप माइंड में रखेंगे, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे और काफी हद तक आपके शॉर्ट हो जाएंगे, तो इससे आपको 47 मार्क्स आपके आ रहे 75 में से। इसके बाद अगर आपने सिर्फ इन चैप्टर्स के सिर्फ आपने शॉर्ट करने, वो चैप्टर कंप्लीट करने और इनको आप इनके लॉन्ग्स को आपने हाथ तक नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपने इनके शॉर्ट करने, बाकी लोग करने ही नहीं है इन चैप्टर्स के। तो इस तरह से और तमाम चैप्टर इंक्लूसिव कर लेते हैं, आपके 75 में 75 मार्क्स कन्फर्म है। यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी, जिनको नहीं समझ आई तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप सबको ये चीज याद रहे कि किसका मैंने क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम साइड की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आपका चैप्टर नंबर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बार बार आए हुए हैं, सब बच्चे जरा देख लें। व्हाट इज डिफाइन, डिफरेंशिएट, डिफाइन, नेम द टू फीचर्स ऑफ, तो इस तरह से आपके सामने बस ये डिफाइंस ही आएंगे ज्यादातर पेपर में, आप सब बच्चे इसको देख सकते हैं, इसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ये है कि अगेन आप सब बच्चे याद रखिएगा कि मैंने सबसे पहले मैंने इन 4 चैप्टर्स का आपको गैस ही बताना है सबसे पहले, ठीक है, इसी वीडियो के बाद में हम इन चैप्टर्स के लॉन्ग भी देखेंगे और शॉर्ट भी, लेकिन पहले हमने इन चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट देखने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी और टीचर को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूथ अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो इन चैप्टर्स को सबसे पहले रेडी करें, क्योंकि आपका पेपर है तो आपने सब चैप्टर्स इनमें से इन चैप्टर्स को रेडी करना है पहले। तो इनके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा, 8वां और 11वां इनके सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन टाइप्स ऑफ फाइल्स है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉब्लम्स फेस्ड है, उसके बारे में मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस है, डेटाबेस मेथड्स है, फीचर्स है, और उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप सबके पास सामने लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर जो कल को या सुबह को जब भी पेपर आना है, इन 8 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 100% गारंटी विद श्योरिटी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलने से पहले सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 इसके बाद नेक्स्ट आता है, उसकी ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, यही आपको बन के आएंगे, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, क्योंकि दूसरी बात ये कि शॉर्ट क्वेश्चन आपकी होगी भी सिर्फ मेन डिफाइन ही होगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं होगी। तो आपके ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 4 है, इनका रिलेटेड ही आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, डाटा मॉडलिंग आ जाएगा, डाटा बेस डिजाइन आ जाएगा, उसका प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल्स, उन कौन कौन से कंपोनेंट्स उनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो ये आपके 1, 2, 3 और ये 4, टोटल आपने जस्ट 4 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करना है, तो आपका पेपर जो है इसका रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने इस जो मुझे फॉलो करें, आपने सिर्फ ये 4 चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारे पास नेक्स्ट आता है, जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं उनमें से अगर हम देखते तो ये सारे के सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, हेडर फाइल कौन सी, कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, डेलिमीटर्स क्या है, रन टाइम एरर्स क्या है, व्हाट इज .NET फंक्शन, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद रहे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने, करो जहां से मर्जी आपकी मर्जी है। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम नोट्स दे देते हैं, लेकिन आप जहां से मर्जी याद कर सकते हैं, जो हमारे साथ अटैच हैं, हमारी अकेडमी का हिस्सा है, उन्होंने हमारे साथ अटैच, उनको हम दे देते हैं, बाकी आप जहां से मर्जी इसको याद कर सकते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 8 के, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स,
उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ सी लैंग्वेज है, टर्बो सी प्लस प्लस क्या होता है उसके, ये टॉपिक्स है टॉपिक्स जिनमें से 9 क्वेश्चन आपका बन के आना है, ठीक है। क्रिएट एडिट कंपाइलर सेव लिंक एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, उनके बारे में आपको चीजें आ सकती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है उसके बारे में 9 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आपके सामने जस्ट 8-9 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर के करने हैं। अभी तक आपका एक भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें प्रोग्राम आए हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो हमारी कैटेगरी, जो हमारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, इस अकेडमी के प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, पिछले पेपर्स के अंदर भी हो, इस पेपर में भी, उन बच्चों के लिए ये है कि उन बच्चों ने चैप्टर नंबर 11 उनका लास्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिलेक्टिव सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इसके बारे में फाइंड एरर, एरर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आ सकता है, प्रोग्राम आ सकता है, फाइंड आउटपुट इसके बारे में आपको प्रोग्राम आ सकता है उसकी, ठीक है। उस स्टेटमेंट आपको आ सकती है, राइट द यूज ऑफ इफ एल स्टेटमेंट, उसके यूज आ सकते हैं, डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, इन्हीं के रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन बन के आना, गारंटी शॉर्टी के साथ पूरे पंजाब में, इसके अलावा और क्वेश्चन कोई बन के नहीं आना। जब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स आ जाएगी, या इफ एल्स, इफ एल्स, इफ स्विच, या ये पहला है इफ एल्स, दूसरे पहला है इफ, अगला इफ एल्स, इफ आ गया स्विच, नेस्टेड इफ, वर्किंग सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम। तो ये चीजें आपको पेपर में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम अगर पेपर में आता है आपको, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सामने आपके प्रोग्राम है, सिर्फ आपने यही प्रोग्राम कर लिया, आपके सामने जो नजर आ रहे हैं। सब बच्चे जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको फॉलो करके देख लें, यही प्रोग्राम आपको आने हैं। और इस वीडियो में आपको बोनस भी मिलना है, उसको भी आपने सब बच्चों ने देखना है, ठीक है। तो बोनस आपको मिलेगा, और सबसे वीआईपी बोनस मिलेगा, अब तक का यूट्यूब का सबसे बड़ा आपको बोनस मिलेगा, और कंप्यूटर के रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग के अकॉर्डिंग, टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया आपका, ठीक है। मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बता दिया कि बट कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारा कुछ आपके पास, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तर्जमतुल कुरान के मैंने बच्चों को बताया 1,20,000-30,000 बच्चों ने वीडियोस देखी वो वाली, उसके बाद इंग्लिश का मैंने बताया 1,50,000 बच्चों ने वीडियो देखी वो वाली, उसके बाद मैंने आप सबको बाकी सब्जेक्ट्स का बताया, फिजिक्स का बताया, इंग्लिश का बताया, 2,50,000-1,50,000 बच्चों ने वीडियोज देखी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने बताया वैसे ही पेपर आया, जो चीजों को बारे में मैंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे पेपर आना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ऊपर जैसे मैं जाता हूँ, ये देखो अगर अगर आपको आ गया इसमें थ्योरी का क्वेश्चन तो ये है, अगर आपको प्रोग्राम आ गया तो ये सारे प्रोग्राम है आपके सामने, इस तरह से आपको क्वेश्चन बन के आएंगे। हम आपको प्लानिंग देते हैं, स्ट्रेटेजी देते हैं, ना कि सिर्फ गैस की तरफ फेंक देते हैं भाई ये कर लो बस, नहीं, हम आपको प्लानिंग दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पेपर आएगा, ठीक है जी। तो सब बच्चों ने बताना कैसी लग रही है वीडियो, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, और जो है आपको इससे बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, पेपर कैसे हो रहे हैं, सब बच्चों नीचे अपना रिव्यू जरूर देना, 100% देना। मैं हर बच्चे का एक एक रिव्यू चेक करता होता हूँ, और उसको मैं लाइक भी करता होता हूँ, देखता होता हूँ कौन कौन बच्चे क्या रिव्यू दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, सारे सारे आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसमें से जिन बच्चों ने करना है तो कर लें, कीज एंड इट्स टाइप्स, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 4 है, इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ये बनते हैं आप सबके सामने। चैप्टर नंबर 5 की 4 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनते हैं, जिन बच्चों ने ये पेयरिंग करनी है उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैलेंज पर सब्सक्राइब है ना, तो मस्ट करो आप सब बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आपका बचेगा, मेरा भी बचेगा, आप सबका भी। ये सारे शॉर्ट हैं इसके, ठीक है। रिपोर्ट्स आपको आ जाएंगे, यूज ऑफ एमएस एक्सेस आ जाएगा, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ आईडी, उसके बाद हाउ क्वेरी इज रिटन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है पेपर में क्वेश्चन क्या आना है, आना 100%, ये मैं लिख रहा हूँ सब बच्चे, 100% क्वेश्चन आपको जो मैं इसमें गैस में दे रहा हूँ यही आने हैं 100%, लेकिन किस तरह आने वो आपके सामने है। लिस्ट एंड टू यूजेस ऑफ रिपोर्ट्स, तो ये क्वेश्चन बन के आने हैं आपको। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने नीचे 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिखे हुए, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, तो इसके ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने है, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये 10 इसके शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जिसमें स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो चैप्टर नंबर हमारे पास है 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने इसको करना वो कर लें, लेकिन मैंने आपको यही रिकमेंड किया कि आप वो 4 चैप्टर हैं वो मस्ट करें, क्योंकि वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 है एमएसएसएस, तो इसमें ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने नीचे लिखे हुए 3, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, इसके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, टू यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 आपके पास है, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से आपको ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन बन के आने हैं, फाइंड एरर वाले या ट्रेस द एरर, ज्यादातर इसमें एरर आते हैं और यही आते हैं क्वेश्चन, या इसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके ये चार लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ एक ही चैप्टर रिकमेंड किया था, चैप्टर नंबर जो है 1, 3 उसके बाद 8 और 11, और 11 में से सिर्फ आपके जो आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना प्रोग्राम वाला, और आपके ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इस वजह से हमने आपको प्रॉपर प्लान बना के दिया हुआ। तो नेक्स्ट अगर चैप्टर नंबर 12 की बात करें, लूप वाले क्वेश्चन इसमें से आने हैं, ठीक है। आपके सामने ये 9 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, और नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है वो आपके सामने है। वर्किंग है सिंटैक्स है, फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम है, नेस्टेड लूप है, ठीक है, फॉर लूप है, डू व्हाइल लूप, तो ये सारे आपके सामने लूप सारे मेंशन इन द यूथ एकेडमी। हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको प्रोग्राम बताए हुए वो वाले सारे इसमें आने हैं। तो या इसके बाद ये आपके सामने वो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल कह रहा हूँ आपके जो प्रोग्राम्स हैं जो पेपर में आने हैं, और यही आते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम बन के नहीं आता पेपर में, पिछले अगर 20 सालों का पेपर भी आप चेक कर लोगे ना, जिस मर्जी बोर्ड का पेपर चेक करो, तो आपके यही आज आगे यही को 8-10 जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं यही पेपर में आने हैं। तो लास्ट पे ये है कि आपने बस सब्सक्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो ये आपके सामने फंक्शन है, फंक्शन के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, फंक्शन इन सी लैंग्वेज, तो ये सारे आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, ये आपने याद करने हैं। और चैप्टर नंबर 14 में ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और जहां तक आपके बोनस की बात है तो सब बच्चों ने ऊपर स्क्रीनशॉट सब बच्चों ने ले लिया होगा। बोनस आप सबको ये है कि आपने मस्ट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि ये लो भाई ये गेस है, ये फाइनल गेस है, पेपर सारा ये आना है, आंखें बंद करके जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, 100% गारंटी के साथ आपका सारा पेपर ये आएगा। और बोनस आपका ये है कि आपका फर्स्ट जो है बोनस आपको एक सोल्ड एमसीक्यू पूरी बुक आपको मिल जाएंगे, आप जस्ट वो करने हैं, और एमसीक्यू आप लास्ट पे किया करो, लॉन्ग शॉर्ट जब हो जाए आखिर पे 1-2 घंटे निकाल के पेपर से पहले। और उसके बाद आपको प्रोग्राम्स के सोल्ड नोट्स बिल्कुल फ्री मेरी तरफ से हैं सब बच्चों को, क्योंकि आप सबने बहुत सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया, और अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए। तो इस वजह से मेरी तरफ से आप सबको ये क्या है, गिव वे है, बोनस है कि आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और सोल्ड नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अब डाउनलोड कहाँ से करने हैं, डाउनलोड के लिए आपको फर्स्ट कमेंट में जब आप कमेंट करने जाओगे सर कैसी लगी वीडियो ये वो आप रिव्यूज दोगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और फर्स्ट जो आपको कमेंट होगा ना वहाँ पे आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने प्लानिंग भी प्लानिंग को और डीपली समझना है कि किस तरह से हमने जो है इसको लेके चलना है अपने पूरे सब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको इस टाइम स्क्रीन के ऊपर वीडियो नजर आ रही होगी, आप उस वीडियो को देख लो, प्लानिंग का है, वन डे प्लान है आपका, उसको आप देख लो तो आपको और समझ आएगी किस तरह से आपने लेके चलना है। बोनस आपको मिल जाएगा, वीडियो भी आप देख सकते हो, आपका डिटेल सामान हुआ मैं यार के अल्लाह हाफिज़।